फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप जैसा कि IBPS RRB PO का रिजल्ट निकल गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो आप सभी लोगों के ये मन में चल रहा होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट, कैसे कैसे क्या अरेंज करना है। बाकायदा जब मेल आएगा तो उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके रखने हैं, चाहे मेल आपका भी आया हो या नहीं आया हो, उससे पहले ही आप सारा चीज़ अरेंज कर लें। तो देखिए, ये चीज़ें जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, जो आपने RRB में अप्लाई किया था फॉर्म, वो ये 7, ये इसलिए क्योंकि ये 7 का है, ये डॉक्यूमेंट 7 के बेस के आधार पर बता रहा हूँ। ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री, कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट। अब जिस डेट का है, जो कट ऑफ डेट जो दिया होगा वो आपको पता ही होगा। मार्कशीट सारे सेमेस्टर का, 10th, 12th और ग्रेजुएशन का। टू सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो, मतलब फ़ोटो कापी करा उसको सेल्फ अटेस्ट कर देना है सारे अपने डॉक्यूमेंट का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह जो है। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, जो एक जो है वो प्रिंसिपल हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी लास्ट जहाँ आपने अटेंड किया वहाँ से, और एक गजेटेड ऑफिसर से बनवाना है, या बैंक ऑफिसर से बनवा सकते हैं जो आपसे संबंधित नहीं हो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर प्रीवियस एम्प्लॉय कहीं काम आप कर रहे हैं तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना है। फ़ोटो जो है 5 पासपोर्ट साइज का, जो कि अप्लाई करते समय आपने भरा था। उसके बाद ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो होता है इनकेस अगर आप SC ST या OBC से, नॉन क्रीमी लेयर OBC में बिलोंग करते हैं तो, और अगर नॉन क्रीमी लेयर से रिजर्वेशन ले रहे हैं आप OBC कैटेगरी के अंदर, तो आपको जो है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो है आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये इशूड होना चाहिए, उसका कट ऑफ डेट जो है आपके उसमें लेटर में लिखा होगा। एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर या ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होगा वो आपको बना के देगा। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल जो कि इशूड किया जाएगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा, कैटेगरी और डिग्री उसमें सारा कुछ लिखा रहेगा आपका जो डिजिबिलिटी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पैन और आधार का जो है, KYC डॉक्यूमेंट ताकि EPFO और NPS में रजिस्ट्रेशन के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल टू बैंक एज ए प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी, आधार, पासपोर्ट, ये सब। अटेस्टेशन फ्रॉम द बायोडाटा फॉर्म, ये बायोडाटा फॉर्म बैंक टू बैंक आपको मिलेगा, और ये भी इंश्योर करना होगा आप जो है क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। कोई भी आपने जो भी चीज़ लिख के दिया है वो सारा जो है क्लियर होना चाहिए, मतलब उसमें कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन आपने पहले नहीं दिया हो, नहीं तो IPC प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ हो सकती है। जब आप सक्सेसफुल कंप्लीटेशन करते हैं प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ का, तो आपको ऑफर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और एक इंडेमनिटी बॉन्ड लगेगा ज्वाइनिंग के समय, प्री ज्वाइनिंग के समय नहीं, ज्वाइनिंग के समय जब बैंक ज्वाइन करने जाएंगे, कि आप मिनिमम 3 साल बैंक में काम करेंगे और अगर 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपए आपको इंडेमनिटी बॉन्ड, 2 लाख जो आपको बैंक में जमा करना होगा। अब ये इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाने में 2 लाख रुपए लगता नहीं उसका, वो बस बॉन्ड बनवा के देना, अगर आप छोड़ेंगे तो उस समय पैसा देना अगर 3 साल पहले छोड़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो लैंग्वेज, एक LPT होगा आपका, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आप जो लोकल लैंग्वेज है जो वहाँ का है उसके अनुसार लैंग्वेज का टेस्ट होगा, उसको आपको पास करना होगा। अगर आप पास नहीं करते हैं तो उसको कैंसिल ट्रीट किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर में जो है कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, सब लोग पास कर ही जाते हैं क्योंकि आप तो लैंग्वेज देख कर ही भरते होंगे फॉर्म। और एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा आपका, थंब इम्प्रेशन
सक्सेसफुल वेरिफिकेशन थंब इम्प्रेशन योर कैंडिडेट शिल बी कैंसिल्ड। अगर थंब इम्प्रेशन जो है नहीं हो पाता है क्लियरली तो आपका जो है कैंडिडेट जो है कैंसिल हो सकता है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करना है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये सारा अरेंज करके रख लीजिए और अब तो आपकी हो ही गई ये नौकरी। तो कीप काम और आराम से जाइए, मस्त अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, फिर ज्वाइन करिए। तो यही फॉर्मेलिटीज़ हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो कि मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे बैंक से संबंधित वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।